कोई करने वाला नहीं, सब उसके मोहताज हैं, अकेला एक परवरदिगार बादशाह है। सारी कायनात का निजाम उसकी मुट्ठी में, तूने जो आज मांगना है उसे वो भी मालूम है, अगले साल इस टाइम तूने क्या मांगना है उसे वो भी पता है। या अलम सिर्रा व अख्फा, वो छुपी बातों को भी जानता है, जो अभी तक छुपी नहीं है वो उन्हें भी जानता है। अब जो तू छुपा के बैठा है उसे वो भी मालूम है, कल तू जो छुपाएगा तुझे नहीं पता, उसे पता है, उससे मांग, उसके सामने दस्ते सवाल दराज कर। अरे हना या बिलाल रजी अल्लाह ताला, मैं फौरी तौर पे लोटा उठाता, पानी भरता, कौन है इनके इमाम को वुजू करवाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे सुकून के साथ आ जाता। हमारे बाद बंदे कहते मेनू परेशानी है, तेनू नमाज दी पई है, मेरा जरूरी काम में तेनू मुसल्ले दी पई है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, काजी इनका शिगिर्द था, सिफारिश के लिए कि बेटे को सूली चढ़ाने का शायद आर्डर हो जाए, सिफारिश कर दीजिए, बच्चा ना हक फंसा हुआ है। इमाम साहब ने उसकी बात सुनी, मुसल्ला मंगवाया और नमाज की नीयत बांधी। ये भी अल्लाह की बंदी कहने लगी, मेरे बेटे की जान खतरे में है और अहमद बिन हम्बल को नमाजों की पड़ी। एक मरतबा आजमा के देख अपने अजीम अख्तर की बात को, अपने बेटे भाई की बात को, अपने अजीज साथी की बात को। जब तुझे परेशानी आए वुजू कर, मुसल्ले पे खड़ा हो, अल्लाह की कसम मिंबर पे खड़ा होके कहता हूँ अल्लाह तेरी परेशानी दूर करेंगे। तेरे ज़हन च थाना कचहरी आउंदा है, तेरे ज़हन च फौरन एमएनए एमपीए आउंदा है, तेरे ज़हन च कोई डाउट आउंदा है, तेरे ज़हन च गली दा कोई वड्डा ठेकेदार आउंदा है, तेरे परेशानी बड़े, अल्लाह तेरे ज़हन में आए तो तेरी परेशानी हल हो, तेरे जहन में फौरी तौर पे दुनिया के लीडर आते हैं। अल्लाह को जहन में ले गया, अल्लाह को नजर में ले गया, अल्लाह को फिक्र में ले गया।